Hello students, welcome to YouTube channel English Trainer. My name is Gulzar Ahmed. Today I am going to teach you a new lesson, parts of speech, adverb. Previously I have taught you noun, pronoun and adjective. Today I am going to teach about adverb. Adverb. What is adverb? Adverb is a word which qualifies all the parts of speech except noun or pronoun. Adverb is a word which qualifies, modifies all the parts of speech except noun or pronoun. Adverb is a word which qualifies all the parts of speech except noun or pronoun. Adverb ऐसा लफ्ज है जो कि noun या pronoun के अलावा सबको qualify करता है, modify करता है. Students, ये adverb हमारी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे always, never, hardly, ब्यूटीफुली, ये हमारे साथ साथ रहते हैं. जब हम इनको बोलते हैं तो हमें ज़्यादा इनका पता नहीं चलता, लेकिन हम बोल जाते हैं. तो एडवर्ब जो है ना, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं. तो ये जो है ना, ये इनको ज़रा समझने की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्ब के जो क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं. सबसे पहले हाउ, where, when, how much, how often, or why. एक दो तीन चार पाँच छः, इनसे हम क्वेश्चन, इनके जरिए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडवर्ब के लिए. हाउ मैनर में आता है, मैनर. वेयर प्लेस में आता है, व्हेन टाइम में आता है. हाउ मच डिग्री में आता है. हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी में आता है. और why reason या purpose में आता है. reason या purpose. तो हम ये कह सकते हैं कि adverb of manners, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, adverb of frequency और adverb of reason या purpose. तो ये adverb के question है. अब manner क्या होते हैं? manner जैसे She walks slowly. तो ये उसका एक मैनर है. तो स्लोली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. स्लोली, स्लोली, ब्यूटीफुली, क्विकली, ये सारे मैनर में आ जाते हैं. और प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो प्लेस के बारे में बताता है, जैसे इनसाइड, आउट, हेयर, देयर, एवरीवेयर. तो ये प्लेस में आ जाते हैं. अब इस टाइम, टाइम में यस्टरडे, टुमारो, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, नाउ. तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाते हैं. डिग्री में वेरी, वेरी मच, टू मच, ये सारी डिग्रीज हैं. और फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, जो बार बार रेपिटेशन होती है वक्त की, ऑलवेज, ऑफन, टाइम एंड अगेन, अगेन एंड अगेन,
always, off and on, again and again, again and again. तो ये सारे frequency में आ जाते हैं. How often? और why reason में? Because, so, thus, ये सारे reason में आ जाते हैं. Because, for भी है, because भी है, because. तो ये सारे हम adverb को सवाल कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसको बनाने का तरीका क्या है, एडवर्ब बनाने का तरीका क्या है, हाउ टू मेक एडवर्ब या फॉर्मेशन. तो आमतौर पर एल वाई लगा ले तो ये एडवर्ब बन जाता है, लेकिन एल वाई लगाने से सारे वर्ड एडवर्ब नहीं बनते, कभी कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं. जैसे फ्रेंड, लव, कवर्ड, ये सारे नाउन हैं. तो नाउन के बाद अगर एल वाई लग जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं. लवली, फ्रेंडली, लवली और कवर्डली, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब नहीं है. लेकिन जब एडजेक्टिव के आगे हम एल वाई लगाते हैं तो फिर वो एडवर्ब बन जाता है. जैसे क्विक, क्विक एडजेक्टिव है और इसके आगे हम एल वाई लगा दें तो ये एडवर्ब बन जाएगा. इस तरह ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और इसके आगे आप एल वाई लगा लें तो वो एडवर्ब बन जाएगा. स्लोली, स्लो एडजेक्टिव है और इसके आगे एल वाई लगा लें तो ये एडवर्ब बन जाएगा. तो ये एडवर्ब बनाने का तरीका, एल वाई लगाने से एडजेक्टिव के आगे वो एल वाई अगर लगाएं तो फिर एडवर्ब बन जाएगा, अदरवाइज नाउन के आगे अगर आप लगाएंगे एल वाई तो वो एडजेक्टिव बनेगा. इसके बाद कॉमन एरर जो हम करते हैं, टू मच और मच टू, ये जरा याद रखना कि ये जो है ना ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है. तो टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा, टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा. जैसे there is too much rush on the road. So too much, much के बाद adjective noun आ सकता है, लेकिन two के बाद noun नहीं आएगा, two के बाद हमेशा adjective आएगा या फिर adverb आएगा. तो too much rush noun है, तो too much के बाद हमेशा noun आएगा, और मच टू के बाद हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा. जैसे ही इज मच टू क्लेवर, तो क्लेवर एडजेक्टिव है. तो मच टू, ये टू एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है या एक और एडवर्ब आ सकता है. तो ये याद रखें, ये इसकी गलती जरा आमतौर पर हम कर जाते हैं. मच टू के बाद, टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद एडजेक्टिव. तो ये देख रहे हैं, देयर इज टू मच रश, रश नाउन है, ऑन द रोड, ही इज मच टू क्लेवर. तो मच टू के बाद ये आएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा. तो ये क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव. टू के बाद आएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब. स्टूडेंट्स, कभी कभी हम एक और गलती भी कर जाते हैं, टू, टू और टू. जैसे टू और टू, ये टू आमतौर पर नेगेटिव में आता है, टू आमतौर पर नेगेटिव में आता है. ही इज टू वीक टू वॉक, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. ये टू जो है ना ये एडवर्ब है और वीक है एडजेक्टिव. तो ये एडजेक्टिव से पहले आ सकता है टू वीक, टू ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंस. लेकिन अगर आज ही इज वेरी वीक, तो ये वेरी जो है ना यहाँ पर
ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है और वेरी जो है ना ये भी एडवर्ब है और आगे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। इस तरह हम एक ये भी गलती कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और मैं आपको बात बताने लगा हूँ वेल की। वेल ये अगर तो ये सेहत के लिए आ जाए तो फिर एडजेक्टिव होगा, ही इज वेल, वेल एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए ही डिड वेल, उसने अच्छा काम किया, तो ये वेल क्या है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। तो इसकी वेल की भी हम गलती कर जाते हैं। एक और देखें लेट, ये एडजेक्टिव है और लेटली ये एडवर्ब है हाल ही में, तो इसकी भी हम गलती कर जाते हैं। ये लेटली एडवर्ब है और लेट एडजेक्टिव, ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ये लेट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। जैसे ही हैड लेट लंच, उसने देर से खाना खाया, तो ये लेट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और लंच क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है। तो ही एट लेट, तो ये लेट का यहाँ पर एडवर्ब का मतलब दे रहे हैं क्योंकि ये वर्ब के बाद आया। तो इस तरह लेटली हाल ही में होता है। तो स्टूडेंट्स मैं ये आपको मैंने एडवर्ब के बारे में बताया, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जो एडवर्ब है ना ये लाजमी मज़ूम है एडजेक्टिव के लिए भी और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है, एडवर्ब ये किस इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करता है। नाउन को भी कर सकता है, सॉरी नाउन को नहीं कर सकता, नाउन और प्रोनाउन के अलावा ये तमाम को क्वालिफाई करेगा। ये जैसे एडजेक्टिव को करेगा और वर्ब को करेगा और एडवर्ब को करेगा और ये प्रपोजिशन को करेगा और कंजंक्शन को करेगा और आर्टिकल को भी करेगा। तो ये आपने ज़हन में बातें रखनी है कि जो एडवर्ब है ना वो स्वाय नाउन और प्रोनाउन के तमाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ इसके बारे में, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है एडवर्ब के बारे में, क्योंकि एडवर्ब जो है ना ये बहुत ही एक लंबी चौड़ी चीज़ है। तो लिहाजा मैंने आपको मुख्तसर बताया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन है तो वेलकम। तो तब तक के लिए गुड लक।